जय हिंद दोस्तों। दोस्तों भारत वॉर एक्सरसाइज से पाकिस्तान और चीन की सेना को देगा कड़ा संदेश और भर्ती नहीं हुई तो सेना में खाली पदों की संख्या 2 लाख तक पहुंचेगी। वहीं इंडियन आर्मी चीन से हर मुकाबले के लिए तैयार और 100 K9 वज्र के दिए जा सकते हैं ऑर्डर। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों भारतीय सेना उत्तरी कमान में एक बड़ा वॉर एक्सरसाइज करने जा रही है। इससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन को कड़ा मैसेज दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तीनों कोर की सेना इसमें शामिल होगी। उधमपुर स्थित उत्तरी कमान हेडक्वार्टर में इसका आयोजन 7 और 8 जून को होगा। हालांकि अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें आर्मी चीफ मनोज पांडे भी पहुंचेंगे। साथ ही आर्मी की 14, 15 और 16 कोर इसमें शामिल होगी। और बताया जा रहा है कि इस एक्सरसाइज से पड़ोसी मुल्क को सेना एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही लगातार LOC पर किसी न किसी तरह से भारतीय सेना को तंग करते आए हैं। ऐसे में सेना दोनों को अलर्ट करना चाहती है कि भारतीय सेना किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। और मनोज पांडे आर्मी चीफ बनने के बाद पहली बार जम्मू आएंगे। हालांकि इस समय वो कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर हैं। एक्सरसाइज के बाद वो सेना के इंटरनल और LOC की सुरक्षा का एनालाइज भी करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक्सरसाइज में पाकिस्तान और चीन से वॉर को लेकर एक्सरसाइज की जाएगी, जिसमें सेना की मॉडर्न तकनीक से जवान रूबरू होंगे। वहीं सेना में 2.5 साल से जवानों की भर्तियां बंद है। महामारी शुरू होने से पहले साल 2019-20 के दौरान सेना में 80,000 से ज्यादा जवान भर्ती हुए थे, लेकिन उसके बाद से भर्तियां नहीं हुई। सोर्सेस का मानना है कि यदि भर्ती नहीं खुलती तो इस साल के आखिर तक जवानों के खाली पदों की संख्या 2 लाख तक पहुँच जाएगी। सेना से जुड़े सोर्सेस ने बताया कि मार्च में पार्लियामेंट सेशन के दौरान इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जाने के बावजूद अभी तक भर्ती प्रोसेस शुरू करने को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं मिला। इसलिए कहना मुश्किल है कि कब तक हायरिंग प्रोसेस शुरू होगा। डिफेंस मंत्रालय की तरफ से मार्च में संसद में बताया गया था कि 2019-20 के दौरान सेना में 80,572 भर्तियां हुई थी। इसके बाद महामारी के चलते भर्तियां बंद कर दी गई। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक 60,000 से 65,000 जवान हर साल रिटायर होते हैं, जिनकी भरपाई के लिए हर साल इतनी ही भर्तियां जरूरी है। कई बार कुछ नई बटालियन बनती है तो उसके लिए अलग से भर्ती की जाती है, इसलिए हर साल भर्तियों की संख्या 60,000 से 80,000 के बीच होती है। भर्ती जहां देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, वहीं ये युवाओं के लिए रोजगार का मेन जरिया है। सेना में भर्ती को लेकर युवाओं में अट्रैक्शन है और वे महीनों तक फिजिकल एक्सरसाइज इसके लिए करते हैं। इसलिए सेना देश के कोने कोने में जाकर भर्ती रैलियां आयोजित करती है। ऐसी 90 से 100 रैलियां हर साल होती है। मार्च में संसद में जब ये मुद्दा उठा तो डिफेंस मंत्रालय ने कहा था कि 1 जनवरी 2022 तक जवानों के 81,000 पद खाली थे, जिसके बाद ये संख्या बढ़ती गई। और अगर इस साल भी भर्ती नहीं हुई तो साल के आखिर तक ये आंकड़ा 2 लाख तक हो जाएगा। दोस्तों अब सेना के पुनः गठन का प्रोसेस चल रहा है। सेना को बैटल ग्रुप्स में बदला जा रहा है, साथ ही तीनों सेनाओं का इंटीग्रेशन भी किया जा रहा है। तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा है। तकनीकी बदलाव व बदलती परिस्थितियों के चलते कई जगहों पर अब जवानों की जरूरत कम है, इसलिए भी कहा जा रहा है कि पदों में कटौती हो सकती है। सेना में 1/3 जवानों की रिटायरमेंट की एज बढ़ाकर 55 साल करने की तैयारी है। इसकी वजह से भी वैकेंसीज में कटौती हो सकती है। और कुछ सोर्सेस के मुताबिक अभी भर्ती बंद है और भर्ती प्रोसेस शुरू होने से लेकर भर्ती होने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है। इसके बाद जवानों को ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना होता है और तैनाती के योग बनाने में 2 साल लगते हैं और पहले ही 2.5 साल का डिले हो चुका है। वहीं पिछले 2 साल से चीन के साथ मिलिट्री गतिरोध में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हाई लेवल की ऑपरेशनल तैयारियों के साथ साथ लद्दाख क्षेत्र में नए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जारी है। और गवर्नमेंट सोर्सेस के मुताबिक LAC पर भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बीच ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को बढ़ाने के लिए दोनों फोर्सेस कई ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही है। उन्होंने बताया कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सुरक्षा बल युद्ध की तैयारियों को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही हाल ही में भारतीय सेना और ITBP ने चीन के साथ उत्तराखंड सीमा पर ज्वाइंटनेस बढ़ाने के लिए सेंट्रल एरिया के कोडनेम IBEX में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की थी। दूसरी तरफ चीनी सेनाएं भी अपनी समर प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि उनकी सेना की बटालियनें नियमित रूप से उस इलाके में आती रहती है। उन्होंने बताया कि विरोधियों की एक्टिविटी पर लगातार नजर रखी जा रही है और ये देखा गया है कि उनकी बटालियंस ट्रेनिंग एरिया में आ रही है और लगातार इंटरवल पर नई बटालियन को बदल रही है। साथ ही चीनी पक्ष ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चारों ओर भारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है, जहां वे अपने सैनिकों के परमानेंट रेसिडेंस बना रहे हैं। वहीं K9 होविट्जर को लेना एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हुआ है। K9 होविट्जर को लॉर्सन एंड ट्रूबो कंपनी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है और पहले 100 K9 होविट्जर के बाद अब दोबारा K9 होविट्जर के ऑर्डर दिए जा सकते हैं।
और इस बार भी 100 K9 होविट्जर के ऑर्डर दिए जाने की उम्मीद है और इसके बारे में अगली हाई लेवल बैठक में चर्चा की जाएगी। और इस मीटिंग में डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार के अलावा वाइस चीफ के साथ सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर ऑफिसर शामिल होंगे। और ये नई डील अराउंड 5,500 करोड़ रुपए की होगी और 100 K9 होविट्जर को इंडक्ट करने के बाद 5 नई आर्टिलरी रेजिमेंट बनाई जाएगी। साथ ही ऐसी और भी कई डील्स आत्मनिर्भर भारत के तहत की जाएगी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पर मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।